बहुत स्वागत, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर असरदार। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। कल छठे चरण के लिए वोटिंग होनी है। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 58 सीटों पर मतदान होगा। इसमें बिहार की 8 है, हरियाणा की 10 है, जम्मू कश्मीर की 1 है, दिल्ली की 7, ओडिशा में 6 है, उत्तर प्रदेश में 14, पश्चिम बंगाल में 8 और झारखंड में 4 सीटों पर मतदान होगा। देश की राजधानी दिल्ली पर इस वक्त सबकी नजरें टिकी हुई हैं। दिल्ली का चुनाव दिग्गजों पर दांव। 7 सीटों का संग्राम, क्या होगा अंजाम? बीजेपी करेगी रिपीट या गठबंधन की होगी जीत? इंडी गठबंधन के लोग ये घोर सांप्रदायिक है, घोर जातिवादी है, गोर परिवारवादी लोग हैं। अरे हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो हमारी समस्याओं का समाधान करे, हमारे देश को तरक्की के रास्ते पे लेके जाए। लोकसभा चुनावों की लड़ाई दिल्ली की गद्दी को लेकर ही होती है, यानी वो धुरी जहां से देश के सियासत को चलाया जाता है, जहां से निकले आदेश देश की दशा और दिशा तय करते हैं। इसलिए 2024 के सियासी समर में हर किसी की नजर दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों को लेकर, जहां कल वोट डाले जाने हैं। ये पहली बार है जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यहां मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के हिस्से 3 सीटें आई हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के हिस्से 4। गठबंधन का ये मुकाबला सीधे सीधे बीजेपी से माना जा रहा है, जिसने पिछली बार 7 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन राजनीतिक आंकड़ों में बीएसपी भी उलट फेर करने को तैयार है, क्योंकि पार्टी ने 7 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। आपको दिखाते हैं कि छठे चरण के रण में मुख्य मुकाबला किन के बीच माना जा रहा है। उत्तर पूर्व दिल्ली से बीजेपी के मनोज तिवारी के सामने कांग्रेस के कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर पश्चिम दिल्ली से कांग्रेस के उदित राज के सामने बीजेपी के योगेंद्र चंदौलिया, पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा का मुकाबला आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार से, नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज की टक्कर आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती से है। दक्षिण दिल्ली से रामवीर सिंह बिधोड़ी के सामने आम आदमी पार्टी के सही राम पहलवान। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी की कमलजीत सहरावत का मुकाबला आम आदमी पार्टी के महाबल मिश्रा से, जबकि चांदनी चौक सीट से बीजेपी के प्रवीण खंडेलवाल और कांग्रेस की जयप्रकाश अग्रवाल का मुकाबला। और अब जरा पिछले चुनावों का वोट शेयर भी देख लेते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली में क्लीन स्वीप किया था। पार्टी का वोट शेयर 56.85% था, कांग्रेस का 22.63%, तो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 18.20% था। 2014 के चुनाव में भी मोदी लहर ने दिल्ली की सारी लोकसभा सीटें बीजेपी की झोली में डाली, तब बीजेपी का वोट शेयर 46.63%, कांग्रेस का 15.22% और आम आदमी पार्टी का 33.08%। लेकिन इस बार दिल्ली की सियासी फिजाएं बदली हुई, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी का लगातार तीसरी बार विजय रथ रोकने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए बीजेपी के लिए पहले की तरह रास्ता आसान नहीं है। लेकिन सीएम हाउस पिटाई कांड के बाद से अरविंद केजरीवाल और पूरे गठबंधन की किरकिरी हो रही है। यही वजह है कि दिल्ली का चुनाव बेहद रोचक पड़ाव पर दिखाई दे रहा है। तो देश में छठे चरण के चुनाव को अब 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया है, और एक बार फिर बुरके को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। दिल्ली में बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और कहा कि 25 मई को वोटिंग के दौरान बुरका पहनकर आने वाले महिला वोटर्स की अच्छी तरह से जांच हो। इसके बाद AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की इस विवाद में एंट्री हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि यह मुस्लिम महिलाओं को परेशान करने के लिए बीजेपी की मांग है। Thank you.
कैंडिडेट हूँ और एज पर लॉ कैंडिडेट हैज अ राइट टू चेक द आइडेंटिटी कार्ड विदाउट द फेस मास्क। ओवैसी साहब के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ओवैसी साहब, आपने तो 15-15 साल 16-16 साल की बच्चियों को बुर्का पहना कर फेक वोटिंग दिलवाई है। ये बीजेपी का नाटक है, नौटंकीबाजी है, किसी भी तरह मुसलमान महिलाओं को परेशान करना, उनको बेइज्जत करना। दिल्ली में ऐसे कई बूथ हैं जहां एक वर्ग विशेष के आड़ में बोगस वोटिंग डाली जाती है, हर बार इस तरह की घटनाएं होती हैं। पहले चेहरा दिखाओ फिर बटन दबाओ। दिल्ली में चुनाव से पहले ये मांग बीजेपी कर रही है। बीजेपी को आशंका है कि बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग हो सकती है, इसलिए बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और ये मांग की कि फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए बुरके में आने वाली महिलाओं की अच्छी तरह से जांच पड़ताल की जाए, इसके बाद ही उन्हें वोटिंग की इजाजत दी जाए। लेकिन बीजेपी की इस मांग से AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम महिलाओं को परेशान करने के लिए बीजेपी ऐसी बेतुकी मांग कर रही है। कल हमने चुनाव आयोग से गुजारिश की थी कि जो भी व्यक्ति वोट डालने जाए वो नकाब पहन के जाए या मास्क लगा के जाए या पर्दा नशीन बुरका पहनकर आए, उनकी फेस की पहचान, चेहरे की पहचान बिल्कुल क्लियर होने के बाद ही वोट कास्ट का अधिकार होना चाहिए। ओवैसी साहब के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ओवैसी साहब, आपने तो 15-15 साल 16-16 साल की बच्चियों को बुर्का पहना कर फेक वोटिंग डलवाई है। ये बीजेपी का नाटक है, नौटंकीबाजी है, किसी भी तरह मुसलमान महिलाओं को परेशान करना, उनको बेइज्जत करना, इसलिए सब किया जा रहा है। बुर्का उतार के देखेंगे, चेहरे नकाब निकाल के देखेंगे, क्या ये सब? पिछले दिनों आपने, हमने सबने देखा, हैदराबाद की जो महिला उम्मीदवार थी वो तो पोलिंग बूथ पर जाकर सबके नकाब उठाकर देख रही थी अपने हाथों से। कुछ दिनों पहले ही हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बुर्का पहने मुस्लिम महिलाओं की जांच करती नजर आईं। इसको लेकर हंगामा मच गया और चुनाव आयोग ने भी उनके खिलाफ केस दर्ज किया। हालांकि उस दौरान फर्जी वोटिंग के कोई सबूत नहीं मिले थे, लेकिन बिहार के दरभंगा में बुर्के में फर्जी वोटिंग के सबूत भी मिले और केस भी दर्ज हुआ। दरभंगा में पांचवें चरण की वोटिंग के बाद 100-150 लोगों की भीड़ ने पुलिस थाने पर धावा बोल दिया और बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग के आरोपियों को छुड़ा ली गई। पुलिस ने इस मामले में करीब 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश के लिए SIT का गठन किया गया है। बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग को लेकर उठ रहे इन्हीं सवालों के बीच दिल्ली में 25 मई को होने वाले चुनाव में बीजेपी बुर्का पहनकर आने वाली महिलाओं की अच्छी तरह से जांच की मांग कर रही है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से अब इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। और लोकसभा के दंगल में प्रधानमंत्री मोदी आज हिमाचल प्रदेश पहुंचे। PM मोदी ने शिमला और मंडी में चुनावी रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने विपक्ष और उनकी पहले की कांग्रेस सरकारों पर हमला बोला। PM ने विपक्ष पर वोट जिहाद करने और OBC के आरक्षण पर डाका डालने का आरोप लगाया। कांग्रेस की कमजोर सरकार दुनिया में गुहार लगाती फिरती थी। मोदी ने कहा, भारत अब दुनिया के पास भीख नहीं मांगेगा, भारत अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। और फिर भारत ने घर में घुस करके मारा। कांग्रेस मां भारती के अपमान से भी बाज नहीं आती। कांग्रेस को भारत माता की जय कहने से ही दिक्कत है। कांग्रेस को वंदे मातरम कहने से दिक्कत है। ऐसी कांग्रेस कभी हिमाचल का भला नहीं कर सकती।